Assalamualaikum, welcome to SLR Learning Planet. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर करूंगी जिनके जरिए आप बच्चों को रीडिंग और राइटिंग सिखा सकते हैं। बच्चों को फोनिक्स के साथ पढ़ना सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस की जाए। चलें आए मोहम्मद, शुरू करते हैं। ये हमारे 3 लेटर वर्ड्स हैं, आपने इनको फोनिक्स के साथ पढ़ना है और फिर जो भी वर्ड बने उसको आपने यहाँ पे लिखते जाना है। और आपकी हैंड राइटिंग गंदी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ जी, पढ़ना भी है और लिखना भी है। पढ़े BUN बन बन ठीक है। नेक्स्ट क्या? फन। फोनिक्स के साथ पढ़े पहले। फन ग गन। देखने आपका एन अच्छा नहीं है। नेक्स्ट लिखे रन आपकी ना वर्ड्स लाइन से बाहर जा रहे हैं, ये भी बाहर चला गया, ये भी चला गया। अब मैंने सारे इरेज करके ना दोबारा लिखवा लेने। लिखें जरा दोबारा, आगे पढ़ें। अब कोई लेटर आपका ना बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई सन। अब ये देख लें, ये भी एन ठीक नहीं है, ये एस भी ठीक नहीं है। आगे लिखें ब बट। ये बी देख लें, ब ब देख लें कैसे लाइन से आता बाहर है। नेक्स्ट वर्ड लिखें कट ख ये भी देखने कैसा बाहर है। आगे लिखे तो हट। चले मैं पढ़ लूं? नहीं अभी नहीं पढ़ना। दूसरी वर्कशीट है जिसमें फिल इन द मिसिंग साउंड्स हैं। अब आपने यहाँ पे पिक्चर देखते जाना है और जो भी साउंड मिसिंग है ना उसके साथ आपने यहाँ पे साउंड लिखते जाना है और फोनिक्स के साथ आपने पढ़ना है। ख कप ज अ ग जग। नेक्स्ट कप जग ह अ H U और P हट टब टब अ टब अ सन ग अ गन मग। ये क्या है? बन बन ब अ बन 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 बन। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।